आइए, हम लोगों ने जेआईजीएल में बड़े सारे टॉपिक कवर किए हैं, लेकिन जिस टॉपिक को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस समय आप अपने बुक को फटाक से पहले बंद कर देंगे और एकदम ध्यान से सांस भी उतना ही लीजिएगा जितना जीने के लिए जरूरत है, मतलब हिलिएगा डुलिएगा नहीं, बड़े ध्यान से अगले 10 मिनट तक पूरे बात को सुनिएगा, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पूरे बेस को समझने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग जो है वो चीज़ों को एग्जाम और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से करते जाएंगे। लेकिन अगर इस 10 मिनट्स में आपने अपना कॉन्सेंट्रेशन अगर लूज किया तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला वो फील और वो मज़ा आपको जो है वो नहीं आएगा, इसीलिए जो है वो ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारे देश का एक समझिए महान ग्रंथ है। अब ये ग्रंथ किस मामले में है? हमारे यहाँ जितने भी तरह के लॉज बनते हैं, जितने भी तरह के एक्ट बनते हैं, उन सारे के सारे लॉ और उन सारे के सारे एक्ट की लीगल वैलिडिटी होगी या नहीं होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो तय करता है। फिर से कह रहा हूँ, कोई बुक अभी मत खोलिएगा, एकदम ध्यान से अगले 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल ध्यान से चीजों को पहले सुन लीजिएगा, फिर आते हैं बुक वगैरह में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जरूरत क्या पड़ी? 1947 से पहले हम अंग्रेजों के जो है वो कस्टडी में थे, कहिए हम गुलाम थे। हमें आजादी मिली 1947 में। जब हमें आजादी मिली तो हमने अपने अकॉर्डिंग चलना शुरू किया, क्योंकि जब हम गुलाम थे तो जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे हम चलते थे, लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम अपने अकॉर्डिंग चलना शुरू किए। इस अपने अकॉर्डिंग चलने में हमें अपने तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, हमें अपने तरीके से जो है वो लीगल सिस्टम बनाना था, हमें अपने तरीके से कल्चरल सिस्टम बनाना था, हमें अपने तरीके से हर तरह के सिस्टम को क्रिएट करना था, चाहे वो लग्जरियस हो, चाहे ह्यूमन बीइंग के नेसेसरी को पूरा करने वाला चीज हो, चाहे जो है वो कहिए कि सिविलाइजेशन को अच्छा करने से रिलेटेड हो, या कहिए इकोनॉमिकली मजबूत होने से हो। कहा गया कि इन सारे चीजों का स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाए। जब आप मकान बनाने के बारे में सोचते हैं, आपके पास सिर्फ जमीन है और आप एक मकान बनाना सोचते हैं, तो आपको सबसे पहले एक खास तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है, जिसमें आप आएंगे किधर से, जाएंगे किस तरफ से, मकान कितने मंजिला होगा, वहां पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कैसे होंगे, पानी के लिए कहाँ से कनेक्शन लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का वायर कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का पोल आपके घर के इस तरफ है या इस तरफ है, अंडरग्राउंड तरीका से आया है, पाइप का सप्लाई जो पाइप के थ्रू आपका गैस का कनेक्शन है या सिलेंडर के थ्रू है, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप कहते हैं कि हमारे मकान का नक्शा बना दो, यानी कि हमारा मकान कैसा बनेगा। अभी मकान में ईंट वगैरह नहीं लगे हैं, सिर्फ आपने आर्किटेक्ट को कहा कि हमारे मकान का नक्शा बनाओ, डिजाइन बनाओ, और ध्यान रखो हमारा मकान इतना, हमारा जमीन लंबा है इतना, जो है वो जमीन चौड़ा है, हमारे जो है वो लेफ्ट या राइट में ये चीज है, हम एल शेप में है, हमारा 2 साइड ओपन है, 3 साइड ओपन है। वो काम करना शुरू करता है। जब वो काम करना शुरू करता है तो वो बेसिक कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है, और उन बेसिक में है कि आपको कितना मंजिला मकान बनाना है, कितने फ्लोर्स बनाने हैं, कितने कमरे चाहिए, कौन सा कमरा आपका जो है वो अटैच्ड होगा वॉशरूम से, कौन सा जो है किस जगह पे आप जो है वो गैलरी चाहते हैं, क्या आप ऊपर में जो है वो कोई गार्डन वगैरह भी चाहते हैं, घर के भीतर स्विमिंग पूल भी चाहते हैं। ये बेसिक चीज़ जिसके बेसिस पे वो काम करना शुरू करेगा। उसके बाद वो चीजों को बना करके देता है। जब वो बना करके नक्शा देता है तब आप बुलाते हैं दूसरे अब इंजीनियर को जो कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेगा। अब वो उस चीज के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन शुरू करेगा। कोई भी चीज जो उस नक्शे से बाहर वो कर रहा है वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपने जो कहा था वो सारा का सारा उस नक्शे में ब्लूप्रिंट में बना हुआ है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन उससे बाहर जा रहा है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक ऐसे ही हमारा देश समझिए खाली जमीन की तरह था। हमें आजादी तो मिल गई थी लेकिन हमें इसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट के जरिए, हमें कल्चरल एस्पेक्ट, हमें लोगों के नेसेसिटी, बड़े सारे चीजों को ध्यान में रखना था, और ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को इम्प्रूव करना था। तो हमने कहा कि हमारे देश में लोगों के लिए फाइनेंशियल चीजों को प्रोवाइड करने के लिए क्या नियम कानून हो, कल्चर को ठीक करने के लिए क्या नियम कानून हो, बैंक जैसा सिस्टम,
हमारे देश में कैसे आए, हमारे देश में कोई बिजनेस कैसे कर पाएगा, हमारे देश में कौन कहाँ रहेगा, क्या एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में रह सकते हैं, हमारे देश में एक सिटीजनशिप रहेगा या हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। ऐसे इतने तरह के चीज़ आए कि हमने कहा कि ये आज़ादी तो मिल गई लेकिन तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, हमें तो रास्ता ही नहीं पता चल रहा है। जैसे कभी कभी आपको जो है खुला जगह चाहिए कि थोड़ा जो है वो ओपन एयर में जाए, पता चला आपको एक ऐसे मैदान में डाल दिया गया, पहुंचा दिया गया हेलीकॉप्टर से, जहां दूर दूर तक पता ही नहीं चल रहा है कि कहां जा करके ये एंड कर रहा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, कहा कि अब करें तो क्या करें, तब इसके लिए हमने कमिटी बनाई। और जो कमिटी हमारी बनी, ये कमिटी जो है वो हमारे बने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है वो कहिए सुपरविजन में एक कमिटी बनी। और उस कमिटी को कहा गया कि आप हमारे देश के स्ट्रक्चर को क्या कीजिए, ठीक कीजिए, और देश के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाइए। जब कहा गया तो इसके लिए जो है वो 26 नवंबर 1949 में जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन करके क्या हुआ, तैयार हुआ, जो कि इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1955 में। लेकिन ये तैयार हुआ कितने दिनों में भाई, इसे तैयार होने में देखिए समय कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 18 डेज। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के पहले क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे। देश आजाद हुआ 1947 में, चूंकि लॉ मिनिस्टर वो थे और बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, इसीलिए क्योंकि आज भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आज भी हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो है वो आज भी ऐसा एक एक्ट है, एक ऐसा चीज बना हुआ है कि इससे बेहतर कहीं भी कोई और एक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि बड़े सारे चीजों को इसमें क्या रखा गया, ध्यान रखा गया, तो जाकर के जो है ये हमारा क्या हुआ है, बना है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने की तैयारी हुई, ये किसके सुपरविजन में हुआ, भीमराव अंबेडकर। समय इसमें 2 साल 11 महीने और 18 डेज लगे। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, इसमें कोई एक बात नहीं बल्कि हमारे देश में जितने भी तरह के कानून है, बड़े ध्यान से सुनिएगा चीजों को, जितने भी तरह के हमारे देश में कानून है उन सबके लिए प्रोविजन यहां से ही निकला है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही रहने वाले प्रोविजन के कारण आपके कंपनीज एक्ट भी बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन के कारण ही सेबी एक्ट भी बने हैं। जितने भी एक्ट आप जानते हैं वो सारे एक्ट इसलिए आज हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन चीजों के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। कहा है उनके लिए प्रोविजन दिया हुआ है, इसका मतलब कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया क्यों था, इसलिए ताकि हम अपने देश का इकोनॉमिक, कल्चरल या और भी तरीके से क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तो कहा जितने भी तरह के लॉ बने हुए अगर आप देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके डेवलपमेंट और बेनिफिट के लिए ही बने हुए हैं। हम ट्रेड कर सके तभी तो देश का विकास होगा, तो भाई ट्रेड करेंगे तो कंपनीज एक्ट की जरूरत है, तभी तो कंपनी बनेंगे। अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम पार्टनरशिप फॉर्म में अगर ट्रेड करेंगे तो पार्टनरशिप एक्ट फिर बन गया। अगर कहीं पे ट्रेड हो रहा है तो उस केस में जो है वो कुछ ना कुछ बनाएगा, अगर वो बनाएगा, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो फैक्ट्री में चीजों को बनाएगा, तो कहा वहां पे लोग कैसे काम करेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट बना दिया। वहां जो काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से जो है वो बोनस मिलना चाहिए, सही तरीके से उनको पेमेंट मिलना चाहिए, का अगर ऐसा है तो उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बना दिए, मिनिमम वेजेज एक्ट बना दिया। कहने का मतलब है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाए तो उसमें हमने कहा कि लोगों को कुछ हम ऐसे राइट्स देंगे जो राइट्स उनके सिटीजन होने के कारण उनको मिलेंगे, और जब तक वो राइट नहीं मिलेंगे, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, जब तक वो राइट्स उनको नहीं मिलेंगे तब तक हमारे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, या लोग यहां पे जो है वो सही तरीके से नहीं रह सकते हैं, सिविलाइज्ड मैनर में नहीं रह सकते, जंगल राज जैसा चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा बल्कि आपको तरीका भी बताया जाएगा कि कैसे रहना है। तो कहा कि यहां पे एक्ट भी होंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स हमने दिए लोगों को, कुछ नहीं नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स, सुनने में ही लगता है कि ये बेसिक राइट्स तो हमें मिलना ही चाहिए। कहा ये बेसिक राइट हम उनको दे रहे हैं,
सिटीजन ऑफ इंडिया को? कहा कि हाँ, कुछ चीज तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया को दे रहे हैं जो कि लिविंग पीपल हैं, कुछ जो है वो कंपनीज को भी दे रहे हैं फंडामेंटल राइट, ऑल दो वो हमारे जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है फिर भी दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश को इकोनॉमी को चलाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो कहा ये जो हम उनको फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स उन्हें प्रोवाइड कौन करेगा? कहा गया कि ये हमारे देश का जो है वो काम है, यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंट्री को स्टेट भी कहा गया, STAT, जिसका आसान मतलब हम राज्य समझते हैं, उसको बहुत जगह इन्होंने क्या बोला है, वाइड सेंस में क्या बोल दिया है, स्टेट। तो इन्होंने कहा है कि ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, यानी देश का ये काम है कि हमें फंडामेंटल राइट क्या करें, प्रोवाइड कराएं। और अगर हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है, हमारे फंडामेंटल राइट हम तक नहीं पहुंचते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट को कोई इन्फ्रिज करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को कोई किसी भी तरह से जो डिसिमिनेट करता है, तो ऐसे केस में हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, हम किसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे? काफी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन कहां लिया जाएगा? इन्होंने कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन बनाए हैं, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग तीन पिलर बनाए हैं। पहला पिलर बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही, ये तीन पार्टीशन है, एक बनाया लेजिस्लेचर, जो हमारे देश के लिए जो भी जरूरी कानून होंगे वो कौन बनाएंगे, लेजिस्लेचर बनाएंगे। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस बात का प्रोविजन रखा कि हमारे देश में समय समय पर कानून भी तो बनते रहेंगे, तो ये बनाने का काम लेजिस्लेचर करे। कहा बन गया कानून, कानून तो हर दिन बनते रहते हैं, हुक्म तो रोज सुनाए जाते हैं। कहा हुक्म की तामील कैसे हो? तो कहा इसके लिए हमने बनाया एग्जीक्यूटिव, जो आप सुनते हैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे चीज, जो उन कानून को क्या करेंगे, हमारे ऊपर इंपोज करेंगे और देखेंगे कि उस कानून को हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उस कानून का कहीं भी कॉन्ट्रावेंशन और उल्लंघन होता है तो आप सही हैं या मैं सही हूं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि नहीं आप सही हैं, मैं कह रहा हूं मैं सही हूं। कानून तो बने हुए उस चीज के लिए, लेकिन ये तय कौन करे? एक किताब आपको दे दिया जाए, एक किताब मुझे दे दिया जाए और दोनों बैठ जाएं और बोले चल बता अब मैं हूं ना सही, क्यों सही, मैं बोल रहा हूं मैं सही, यहां ये लिखा हुआ है, मुझे एक चीज बताइए अब ये फैसला कैसे हो? तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है वो पिलर बनाया गया, तीसरा पिलर, और ये हमारा है जुडिशियरी, यानी कि जुडिशियरी जो है वो थर्ड पिलर हो गया। एक हो गया लेजिस्लेचर जो क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। याद कीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के समय भी मैंने आपको कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तो इस चीज का दोबारा जिक्र करूंगा कि लॉ बनाने के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन उन कानूनों को जो है वो इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन अगर ये तय करना हो कि कानून में यही सही है या ये सही है, तो इसके लिए कौन है, जुडिशियरी, जज बैठे हुए हैं। कहा जज का काम कानून बनाना नहीं होता है, बने हुए कानून में सिर्फ ये तय करना है कि कौन सही है और कौन, और उसके बेसिस पे फैसला सुनाना, और फैसला अपनी मर्जी से नहीं, एक्ट में लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया उसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई गलत है तो उसे कितना फाइन पेनल्टी लगेगा। हर केस में आपका कैपिटल पनिशमेंट नहीं होता है, मृत्युदंड नहीं होता है, हर केस में करोड़ों का फाइन पेनल्टी नहीं होता है, रुपये से लेकर के एक दो रुपये से लेकर के जो है वो मृत्युदंड तक का भी पनिशमेंट है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट भी है। कहा गया ये सारी बातें जो है वो लिखी है लेजिस्लेचर ने और उसको जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव, और अगर उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है कौन सही कौन गलत, तो उसके लिए कौन से बॉडी है, ये सारा प्रोविजन कहाँ है? कहा ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें कहा कि आप हमारे देश के नागरिक हैं, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, आप हमारे देश के नागरिक हैं, हम आपको कुछ ऐसे फैसिलिटी जरूर देंगे, कुछ ऐसे राइट जरूर देंगे जिसके बेसिस पे आप अपना ग्रोथ कर सके, क्योंकि इसके बिना आपका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, और अगर सिटीजन का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है तो देश का भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको रहने की आज़ादी, बिजनेस करने की आज़ादी, ट्रेड करने की आज़ादी, इंडिया के जिस भी कोने में बसना चाहे वो आज़ादी मिलेगी। लेकिन जब भी कोई राइट दिए जाते हैं तो हमारा जो है वो ज़्यादा मन बड़ा हो जाता है, तो उस मन को काबू में रखने के लिए उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट आपके वो राइट है जो कोई आपसे नहीं छीन सकता, लेकिन अगर कुछ जरूरत पड़ी तो इसमें हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं?
घबराइएगा नहीं, अभी बहुत सारे फंडामेंटल राइट आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो बस मैं आपको पूरा सुना रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या। कहा कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, राइट्स देंगे, फंडामेंटल राइट, उस राइट को कोई आपसे नहीं छीन सकता, लेकिन अगर कुछ मुश्किल आ गए तो हम आपके ऊपर रीजनेबल क्या लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन। यानी फंडामेंटल राइट जो आपको मिलता है वो सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है। और कहा गया कि फंडामेंटल राइट आप तक पहुंचे ये काम सरकार की है और वो आप तक ये पहुंचाएगी, और अगर नहीं पहुंचाई तो आपको हम एक और फंडामेंटल राइट देते हैं कि आपको जो जो फंडामेंटल राइट हमने दिए हैं अगर वो आपको नहीं अवेल होता है तो आप जो है वो जुडिशरी बॉडी के पास जा करके इनको इन्फोर्स कराने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो एक तो फंडामेंटल राइट हमने दिए और ऊपर से कहा कि जो आपको हमने फंडामेंटल राइट में अधिकार दिए हैं अगर वो अधिकार कोई आपसे छीनता है तो लीजिए एक और फंडामेंटल राइट हम आपको देते हैं कि अगर कोई इन अधिकारों को छीने तो आपका ये अधिकार है कि जो लोग आपसे इन अधिकारों को छीन रहे हैं उनके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकें। और इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर हमने बनाए हैं, डायरेक्टली उन चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं आप, जबकि ऐसे कोई भी मामला अगर होता है तो पहले सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, तब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा या नहीं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट आपका कोई जो है वो इन्फ्रिंज करता है तो आप सीधे सीधे कहां पहुंच सकते हैं। कहा ठीक है, ये तो राइट की बात हुई। कहा कि अगर हम इस देश के सिटीजन है तो सिर्फ राइट है या हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी है। कहा कि यस, आपके ऊपर कुछ ड्यूटी भी है, चूंकि आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश ने आपको इतने सारे अधिकार दिए हैं तो यहां पे हम आपसे जो है वो कुछ कर्तव्य की भी मांग करते हैं, कुछ आपके ड्यूटीज भी हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल क्या है, ड्यूटीज भी हैं। उन ड्यूटीज को भी आप क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। गवर्नमेंट को कहा कि फंडामेंटल राइट आपको इन तक पहुंचाना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि सरकार देश कैसे चलाएगी ये सरकार के ऊपर है, लेकिन हम उनको कुछ बेसिक गाइडलाइन देते हैं किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है। लेकिन अगर वो उस तरीके से नहीं चलते हैं तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के इस बात के लिए कोई रिलीफ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है सिर्फ एक डायरेक्शन है जो किसको दिया गया है, गवर्नमेंट को दिया गया, क्या करने के लिए, देश को चलाने के लिए। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली उसके लिए क्या कर सकते हैं, जुडिशियल बॉडी में आकर के प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो अब इसमें हमें देखना रहेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है इसने हमारे देश को कैसे डिफाइन किया है, क्योंकि सबसे पहले तो हम उन चीजों के अकॉर्डिंग चलेंगे जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें डिफाइन किया है कि भारत एक कैसा देश है। क्या ये एक हिंदू राष्ट्र है, ये एक मुस्लिम राष्ट्र है, या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या हम किसी दूसरे कंट्री के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे या हम फ्री हैं अपने अकॉर्डिंग चलने के लिए, क्या हम किसी तरह के कानून को बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री, यूनाइटेड नेशन, इन सबसे परमिशन लेंगे या खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल्स में जाकर के ये देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को कैसा राष्ट्र और कैसा नेशन पहले डिक्लेयर किया है, उसके बाद उन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हीं चीजों के तहत इन्होंने हमें क्या दिया, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को हमें देखना रहेगा, लेकिन जब हम उनके प्रीएम्बल्स को देखते हैं तो दो बातें निकल के आती है, हमारा देश कभी कभी लगता है एक है और कभी कभी लगता है हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछा कि बताइए हम जो है एक यूनिटरी है या हम फेडरल है, यानी इंडिया जो है वो राज्यों में बटा हुआ है या इंडिया जो है एक जो है वो यूनियन है, एक यूनिटरी में है, एक कंट्री है, क्योंकि जैसे यूएसए वगैरह फेडरल स्टेट है, फेडरल स्टेट का मतलब, फेडरल कंट्री का मतलब है कि वहां पे जो है वो आपको जो है वो डबल जो है वो और भी ज्यादा आपको सिटीजनशिप मिलती है, वहां स्टेट वाइज नागरिकता मिलती है सिटीजनशिप। क्या हमारे यहाँ कहीं बोला जाता है कि ये जो है वो बिहार के नागरिक हैं, ये यूपी के सिटीजन हैं, ये दिल्ली के सिटीजन है, नहीं, हम क्या कहते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्होंने कहा कि हम अपने देश को सही तरीके से चला सके इसके लिए अलग अलग क्या बनाने हैं, हमें नियम कानून बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो भी नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी तरह के प्रोविजंस को क्या करेगा, कॉन्ट्रावेन करेगा, वो नियम कानून मान्य नहीं होगा, उसकी कहीं कोई वैलिडिटी
नहीं होगी। फिर ऐसे भी क्वेश्चन अराइज हुए कि जो एक्ट और नियम कानून पहले से बने हुए हैं, पॉसिबल? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमारा कब आया? 26 जनवरी 1950। आज के डेट में भी आप देखते हैं बड़े सारे एक्ट 18 के बने हुए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए। कह रहे हैं कि जो पहले बने हुए, कहा गया जो पहले बने हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा कहा है जो उससे कॉन्ट्रावेन कर रहा है, तो उसके उस पार्ट को उसे क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। और अगर नहीं बदलेगा तो उसका असर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कहा कि हमने कोई एक्ट बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बिल्कुल जो है वो तरीके से है, तो कहा फिर कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि अगर उसको कॉन्ट्रावेन कर रहा है तो कहा नया एक्ट तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा अगर वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेन। इन्हीं चीजों को हमें देखना रहेगा कि कैसे कैसे एक्ट बनाए जा सकते हैं और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा प्रोसीड करेगा। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल को देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने हमारे देश को क्या कहा है। फिर हम देखेंगे कि हमारा देश फाइनली ये जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है, ये देखते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कैसे जो है वो देश कुछ कानून जो है वो छोड़ा है, सिर्फ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और कुछ राज्यों को दे दिया है। यानी इन्होंने अलग अलग लिस्ट बनाया है तीन तरह का और कहा है कि इससे रिलेटेड नियम कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड कानून जो है राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बनाए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट अलग बनाए, लेकिन जो सेंट्रल एक्ट है वो सबके लिए क्या होंगे? एक जैसे होंगे। और एक लिस्ट दे दिया है जिसमें कहा है कि इससे रिलेटेड कानून दोनों में से कोई बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकते हैं और सेंट्रल भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हमने राइट तो दिया हुआ है स्टेट को कि इन चीजों में कानून कौन बनाए, राज्य बनाए, लेकिन अगर कुछ ऐसी मुश्किल आ गई तो उन केसेस में भी जो है वो कानून कौन बनाएंगे, सेंट्रल बनाएंगे। तो ऐसे ही चीजों को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो सीक्वेंस जाता है उसमें है इंडिया है कैसा कंट्री, इसके प्रीएम्बल्स को देखेंगे, इसके बाद देखेंगे ये फेडरल है या यूनियन है, किस तरह का ये है हमारा, और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह के लॉ बनाने के लिए किसको राइट दिया गया है, और फिर हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए और क्या क्या हमारे क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। फंडामेंटल राइट अगर किसी तरह से इन्फ्रीज होता है तो हमारे पास क्या क्या प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल है, क्लियर है? तो ये सारी चीज को हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज जो कहा गया है कि हमारा कंट्री जो है ये बेसिकली सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। बस इसके ठीक बाद आपके प्रिंटेड नोट्स पे आएंगे जहां ये दिया हुआ है, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने कानून खुद बना सकते हैं, हमें अपने कानून वगैरह बनाने के लिए किसी से किसी भी तरह के परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बिल्कुल जो है वो स्वतंत्र हैं, हमें किसी से कोई परमिशन किसी भी कंट्री से नहीं लेना है, हम जैसा कानून चाहे यहाँ बना सकते हैं। तभी हमें 370 लगा हटाना है तो हमने हटाया, हमने किसी से परमिशन नहीं लिया। ये दूसरी बात है कि इस समय वो कुछ डिस्प्यूट या अलग अलग तरह के इशू आ जा रहे हैं। सोशलिस्ट इसका मतलब है कि हमारा देश एक कैसा जो है वो देश है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है जहां सरकार का काम देश से प्रॉफिट गेन करना नहीं है, बल्कि यहां जो लोग रह रहे हैं उनको हर तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करवाएंगे, और अगर कोई वीकर सेक्शन है तो उसको हम उस पोजीशन तक लाएंगे जिससे वो अपना ग्रोथ कर सके। इसी के तहत तो हम सुनते हैं मिड डे मील वगैरह जो दिया जाता है, जो गरीब होते हैं उनको खास तरह का जो है वो पेंशन और बाकी चीज दिया जाता है। कहा तो ये कंट्री सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनके लिए नहीं जिनके पास पैसे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि ये एक वेलफेयर नेशन है जहां पे हम लोगों के भलाई का खुद क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये किसने बोला है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला, हम सोवरीन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हमारे ऊपर किसी का कानून नहीं चलता है, हम सोवरीन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है बल्कि लोगों का कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और अगर कोई निडी पीपल है तो हम उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखेंगे। इसी के तहत हमारे यहाँ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल वगैरह बनाए जाते हैं। सेकुलर,
कहा भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, यानी कि यहां पे आप जिस भी धर्म को देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में भी ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट और बाकी सारा कुछ बना ही है आपके प्रियम्बल्स को फुलफिल करने के लिए कि हम सेकुलर जो है वो स्टेट है, यानी कि सेकुलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष कंट्री। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म को मानना चाहें क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करता, हम अपना शासन खुद करते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही शासन करवाते हैं, जो हम कहते हैं टू द नेशन, फॉर द नेशन एंड बाय द नेशन, यानी कि हम जो है वो अपने लोगों को चुन करके जो है वो भेजते हैं और तब वो जो है वो हमारे लिए जो है वो देश को चलाते हैं। इसीलिए हम कौन से रिपब्लिक हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। चलिए अब यहाँ के बाद आप आइए कुछ जगहों पे और यहाँ आकर के अब बातचीत करेंगे। कहा जितनी भी बात मैंने आपको बताया है ये सब इस जगह पे है, देखिए सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक लिबर्टी, और यहां पे सबको हर तरह का इकोनॉमिक से लेकर के लीगल हर राइट मिलता है, हर कोई जो है वो फ्री है जिस भी धर्म को मानना चाहे, जिस भी धर्म पे उसका विश्वास हो, और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रमोट होने में, अपने आप को डेवलप करने में। लेकिन ये सारी बातें आपकी जो है वो आ जाएंगे किस में, फंडामेंटल राइट्स के तहत एक एक चीज आपका जो है वो कवर हो जाएगा। अब यहां पे एक बात आया कि हम जो हैं वो फेडरल हैं या यूनिटरी हैं, तो कहा गया यूनिटरी का मतलब होता है एक, तो हम कह रहे हैं कि हम जो हैं वो यूनिटरी हैं या हम फेडरल हैं, यानी हमारा देश एक है या राज्यों में बटा है। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ दोनों तरह की व्यवस्था है, यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे चीज हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं हम में जो हमें कहीं ना कहीं जो है वो फेडरल जैसा कर देता है, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें क्या बना देता है, यूनिटरी बना देता है। कहा भाई वो क्या है, कह रहे हैं कि फेडरल नेचर के लिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ड्यूअल अथॉरिटी, हमारे देश में दो गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक क्या होते हैं, कहा कि ये स्ट्रक्चर तो बताता है कि हम कैसे हैं, फेडरल है, राज्य सरकार अपने राज्य के विकास में लगी रहती है, एक राज्य सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए, लेकिन कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक लेवल पे होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कहा पावर के बेसिस पे भी हमने जो है वो चीजों को अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ है, हमारा जो यूनियन लिस्ट है उस यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम है, आइटम लिखा हुआ है, चीजें लिखी हुई, फाइनेंस, एजुकेशन, तो कहा गया कि यूनियन लिस्ट में जो जो चीज लिखी हुई है ये और डिटेल में आगे आएगा, उस पे कानून कौन बनाता है, यूनियन, जो स्टेट लिस्ट में उस पे, और जो कंकरेंट है यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं। कह रहे हैं कि तो फिर ये फेडरल की निशानी है या नहीं, कहा हां ये तो फेडरल की निशानी है। कहा कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहा कि चाहे किसी भी तरह का चीज हो सबके ऊपर, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी एक्ट हो, यानी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सबके ऊपर कौन डोमिनेंट होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी को क्या रखा गया है, इंडिपेंडेंट बॉडी रखा गया है जिसके ऊपर कहीं किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन हम ये यूनियन इसे कहें या हम इसे फेडरल कहें, कहा कि देखो भाई इसके गुण तो कुछ जो है वो किससे मिल रहे थे, फेडरल जैसे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे इसके सारे के सारे चीज किसके जैसे हो जाते हैं, एक जैसे, और कह रहे हैं कि जो भी चीज आपका स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट में कितने आइटम दिए हुए हैं बहुत डिटेल में आगे मैं आपको दिखलाऊंगा, कह रहे हैं कि यूनियन में लिस्ट में बहुत सारे आइटम है, स्टेट लिस्ट में बड़े सारे आइटम है, कहा कि जो चीजें स्टेट लिस्ट में आती है उस पर कानून कौन बनाएगा, बस कुछ ऐसे सिचुएशन है जिस सिचुएशन में इस पर कानून कौन बना सकता है, कह रहे हैं कि अगर मामला किस चीज का हो, नेशनल इंटरेस्ट का हो, इमरजेंसी का सिचुएशन हो, इमरजेंसी याद है हमारे देश में लगी थी इंदिरा गांधी के समय में, डिस्प्यूट बिटवीन टू, और कह रहे कि दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो इस केस में जो है वो उस डिस्प्यूट को निपटाए कैसे, कानून कैसे बने, कहा फिर कौन बनाएंगे कानून, ऑल दो वो है किस लिस्ट में,
लेकिन फिर भी उस पर कौन कानून बना सकते हैं? सेंट्रल, टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए किसी स्टेट में कोई खास तरह का कानून बनाना पड़ सकता है तो कौन बनाएगा? सेंट्रल बनाएगा, जबकि वो आता किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। ब्रॉक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, यानी कि स्टेट में जो है वो पूरे तरह से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर खत्म, अब वहां पे जो है वो रूल कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सुनते होंगे बड़े सारे ऐसे चीज होते हैं जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, इसका मतलब है कि अब वहां पे चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है और चीफ मिनिस्टर कोई पोस्ट नहीं होगा, बल्कि वहां के गवर्नर जो होंगे वो बेसिकली जो है वहां के हेड होंगे और वो जो है वो चीजों को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। अब देखिए, लेजिस्लेटिव पावर यानी कि लॉ बनाने का अधिकार किसका? किसका? यूनियन और स्टेट। देखिए, हमने देखा कि हमारे यहां जो है वो यूनिटरी सिस्टम है या फेडरल, तो हमने कहा कि कुछ गुण किससे मिलते हैं? फेडरल से, और कुछ किससे मिलते हैं? तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे यहां दोनों चीज है, हमारे यहां फेडरल भी है और क्या है? यूनिटरी भी है। कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है लॉ बनाने का अधिकार, किसका? किसका? यूनियन का और स्टेट का। कह रहे हैं कि यहां पे सबसे पहला चीज जो किया गया वो किया गया है टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एरिया वाइज। कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो पूरे के पूरे देश के लिए कानून बनाता है और स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ किसके लिए कानून बनाता है? इसका मतलब जो कानून सिर्फ बिहार में एप्लीकेबल होना है उसके लिए जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि बिहार जो है वो लेजिस्लेचर क्या करेगी? वो जो है वो कानून बनाएगी। अगर यूपी है तो यूपी के लिए कौन बनाए? यूपी के लेजिस्लेचर बनाए। लेकिन कुछ एक्ट हैं जो सेंट्रल एक्ट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, ये हर राज्य में सबके लिए एक जैसा है, तो इसके लिए जो है वो लॉ कौन बनाएंगे? पार्लियामेंट। लेकिन आप स्टाम्प एक्ट बताइए। अच्छा, मैंने यहां पे आपको बताया भी था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टाम्प एक्ट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सोच लीजिए, ध्यान से बताइएगा, स्टाम्प ड्यूटी कितना होगा? ध्यान से, ये कौन बताएगा? और इनकम टैक्स कितना किसको लगेगा? ये पक्का है? 22nd मैंने दिया है। एक इससे रिलेटेड जो भी बात दिमाग में आपको और आ सकता है ले आइए, क्योंकि इन्हीं पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इनकम टैक्स कितना लगेगा, ये तय एक एक्ट से हो रहा है या अलग अलग। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बिहार में जाइए और वहां पे जो है वो जमीन खरीदिए और स्टाम्प ड्यूटी पे कीजिए, और आप यूपी में जाइए, दिल्ली में आइए, तो ये एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एक्ट सेंट्रल लेवल पे बनता है वो पूरे के पूरे देश में क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, यानी इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब एक जैसा। जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती, हो सकता है वो कहे कि जैसे दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी का प्रोविजन है कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी को, तो ऐसे केस में जो है वो अगर लेडीज के नाम से है तो 5%, जेंट्स के नाम से है तो 7%, और दोनों के नाम से तो कितने परसेंट? 6% का है। लेकिन यही चीज बिहार में हो सकता है 10% या क्या होगा? 12%, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट हो सकता है। तो देखिए, पार्लियामेंट पहले हम किससे रिलेटेड देख रहे हैं? कानून बनाने का राइट किसके अकॉर्डिंग? टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो पार्लियामेंट बनाएगा पूरे देश के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ उस स्टेट के लिए। यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस चीज को? लेजिस्लेटिव पावर को। लिस्ट वन में जो है उसके लिए कानून कौन बनाएंगे? एक बार जरा देखिए तो इन तीनों लिस्ट में जो लिखा हुआ है कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो बातें लिखी हुई है इसमें यही है कि किसके लिए कौन जो है वो एक्ट बनाएंगे। फटाक से देखिए और तब बात करेंगे। तीनों को देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तीन लिस्ट दिया, एक का नाम हुआ यूनियन लिस्ट, एक का नाम और तीसरे का नाम कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इन्होंने जो है 97 आइटम्स बतलाए। अब देखिए किससे रिलेटेड, इसका मतलब है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, करेंसी, जुडिशियरी, सेंट्रल टैक्सेस। कहा इससे रिलेटेड कानून कौन बनाएंगे, यूनियन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट। कहा कि किनसे रिलेटेड, यहां 66 आइटम है, किसमें, स्टेट लिस्ट में। इससे रिलेटेड जो है वो कानून कौन बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट। सैनिटेशन, पिलग्रिमेज जो शरणार्थी वगैरह होते हैं कहीं रिचुअल्स वगैरह के लिए आते हैं, रोड्स, एग्रीकल्चर और कौन सा टैक्स, ये कौन तय करेंगे। और कहा कुछ ऐसे हैं जो 47 की संख्या में है। कहा इसके लिए दोनों ही कौन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। स्टेट ने जो बनाया कानून वो सिर्फ उस स्टेट में अप्लीकेबल होगा, और जो सेंट्रल बनाएगा वो कहां होगा, ऑल ऑफ इंडिया, ऑल अक्रॉस द इंडिया अप्लीकेबल होगा। कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर विच इज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट, दिस इज नोन एज रेसिडरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर। और ये यूनियन लिस्ट में ही दिया हुआ है एक आइटम कि जिसके लिए कहीं भी कोई भी चीज डिफाइन नहीं है, लेकिन उसमें किसका ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, अगर उसमें जो है वो आपका ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है किसका, किस लेवल पे, कह रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पे, तो वहां पे जो है वो पावर जो है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और नहीं तो लिस्ट दिया हुआ इस लिस्ट में है तो सेंट्रल, इस लिस्ट में है तो स्टेट, अदरवाइज अगर है तो आप कहां जा सकते हैं, रेसिडरी लिस्ट दिया हुआ उस पर कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम 97 एंट्रीज भी कहते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट जो हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ ऐसे भी चीज हैं जिस पे लॉ बनाने का राइट किसका है, स्टेट का, लेकिन कह रहे फिर भी उस पर कानून कौन बना सकता है, लेकिन ये सिचुएशन कब होगा, इन नेशनल इंटरेस्ट, देश के भलाई के लिए जरूरी था, इमरजेंसी के समय में, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ टू, और दोनों कह रहा है कि भाई हम लुटपिट जाएंगे, एक दूसरे को मार मुड़ डालेंगे, तो इससे अच्छा आप क्या करो कानून बना दो, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो अपने फेवर में, ये बनाएंगे तो अपने में, फिर मामला कहीं ना कहीं जाके अटके गई, तो इससे अच्छा क्या करो, एक तरह से कहिए आप मीडिएशन का काम करते हैं वहां पे। लेजिस्लेचर फॉर इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए, भले ये चीज किससे रिलेटेड होगा लेकिन इस पर कानून कौन बना सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द, ये ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक का एक डाउन हो गया, क्या हुआ ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, यहां आप मशीन का ब्रेक डाउन सुने हैं कि मशीन पूरे तरह से जो है, मैंने आपको बताया था, रुकिए, ये वर्ड ब्रेक डाउन का इस्तेमाल हमने किया है सेटिंग अप पढ़ते वक्त, आपको बताना है किस चैप्टर में और हमने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था और वहां किस कंटेंट में हमने जो है, कॉन्टेक्स्ट में हमने किया था, बोलना नहीं है, समय 30 सेकेंड, जिनको याद आ जाएगा बस हाथ उठाएंगे। मशीनरी ब्रेकडाउन हमने वर्ड डिफाइन किया था, कहां किया था, क्या किया था, ये बताना है, समय शुरू होता है अब, जिनको याद आ जाएगा हाथ उठाएंगे बस। बताइए, दुबले पतले, बताइए, वाइट, हाँ जी, स्ट्राइक, अच्छा आप बताइए, हाँ जी, मिक्की माउस,
जगह है कि सोए हैं? चलिए डेनिम पीछे, ब्रेक फेल हो जाता है तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। बताइए, बताइए आप। मशीनरी ब्रेकडाउन का मतलब है कि आपके फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना सीवियर जो है वो डैमेज हुआ है सडनली कि वो तुरंत रिपेयर नहीं हो सकता है। और हमने ये पढ़ा था कि जब हम स्ट्राइक या बाकी चीजों को कर रहे होते हैं उससे, वो तो उस समय अलग आया था, लेकिन ब्रेकडाउन को सबसे अच्छे से जो हमने डिफाइन किया था वो उस जगह किया था कि ले ऑफ के समय में हमने देखा था कि अगर इन इन सिचुएशन में है तो इंप्लायर आपके ले ऑफ में जा सकते हैं। ले ऑफ का मतलब होता है वो कहेंगे कि हमारे पास देने के लिए काम नहीं है, तो वहां पे मशीनरी ब्रेकडाउन का मतलब देखते हैं। तो मशीनरी ब्रेकडाउन का मतलब जब काम पूरे तरह से क्या हो गया हो, बंद हो गया, कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पूरे तरह से मशीनरी क्या हुआ हो, ब्रेकडाउन, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रेड, ये सारे चीज का बहुत बुरा हाल, तो वैसे केस में क्या कर सकते हैं? वैसे केस में सारा का सारा जो है वो कानून बनाने का राइट किसके पास चला आएगा? सेंट्रल के पास। इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव लिस्ट, कह रहे हैं कि प्लेनरी पावर, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कह रहे हैं कि देखिए भाई सबसे सिंपल बात है, जो लिस्ट दिया हुआ है यूनियन लिस्ट में उसको यूनियन वाले, जो स्टेट में स्टेट और कंकरेंट दोनों। लेकिन अगर कोई भी मामला जो हमने ऊपर देखा हुआ उससे रिलेटेड अगर होगा तो फिर वैसे केस में पावर किसके पास आ जाएगा? उस केस में पावर आप आ जाएगा किसके पास? सेंट्रल के पास आ जाएगा। कह रहे हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कह रहे हैं कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बेसिकली कहता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो है लिस्ट आर टू बी इंटरप्रेटेड इन सच ए वे दैट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम इज अवॉइडेड एंड ईच ऑफ देम इज गिविंग इफेक्ट, इट मस्ट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, डज नॉट वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड टू इंटर निगेटरी। कह रहे हैं कि इनका इरादा ये नहीं है कि इधर आपका जो है वो यूनियन के लिए, यहाँ पे स्टेट के लिए, और यहाँ कंकरेंट के लिए बना दिया और आपस में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को लाने के लिए नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को क्या करने के लिए है, रिजॉल्व करने के लिए है। तो अगर कहीं भी कोई भी ऐसे मामले है जिस मामले में स्टेट भी कानून बना रही है और वो कौन बना रही है, सेंट्रल भी बना रही है, तो उन जगहों पे चीजों को ध्यान से देखना रहेगा, क्योंकि सेंट्रल के जो बने हुए कानून है वो पूरे के पूरे जगहों पे क्या होंगे, एप्लीकेबल। तो आप बना जरूर सकते हैं लेकिन उससे कॉन्ट्रावेनिंग जो है वो नहीं हो सकता। किससे कॉन्ट्रावेनिंग? स्टेट सेंट्रल से जो है वो कॉन्ट्रावेनिंग नहीं हो सकता है। किसका? स्टेट का। पिथ एंड सबस्टांस रूल, ये बेसिकली कहता है द रूल ऑफ पिथ एंड सबस्टांस इज अप्लाइड व्हेन ए लॉ डीलिंग विथ अ सब्जेक्ट इन वन लिस्ट आल्सो टचेस द सब्जेक्ट इन अनदर लिस्ट। कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि एक लिस्ट में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा किस तरफ चला जा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेट लिस्ट में चला जा रहा है। कह रहे इन केसेस द पिथ एंड सबस्टांस ऑफ लेजिस्लेशन, दैट इज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इज टू बी डिटरमाइंड। ऐसे केस में जो हम देखेंगे कि रियल में जो है वो सॉल्यूशन कैसे आ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कानून बनाए या कौन बनाए, स्टेट। अगर वो सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ स्टेट को राइट दे रहा है और उससे कहीं भी स्टेट को कोई ज्यादा फायदा नहीं है कानून बनाने से, तो वहां भी क्या चलेगा हमारा, वहां भी सेंट्रल के ही रूल चलेंगे। इफ वन सच एग्जामिनेशन इट वॉज फाउंड दैट लेजिस्लेशन इन इट्स एग्जिस्टेंस इज विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंट ऑफ लेजिस्लेचर इनएक्टेड, इट इज वैलिड इवन इफ इट इज एक्सीडेंटली इनक्रॉच ऑन सब्जेक्ट ऑफ अनदर लिस्ट। कह रहे हैं कि अगर हम पूरे के पूरे नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो कानून बना रहे जो कि दोनों लिस्ट में आ रहा है या थोड़ा सा मूव कर रहा है किस तरफ, स्टेट लिस्ट के तरफ, कहा गया कि अगर हमने पब्लिक एट लार्ज को ध्यान में रखा हुआ है तो भले वो स्टेट लिस्ट में इन कर रहा है फिर भी जो है वो सेंट्रल उसके लिए क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। इस केस को जरा देखिए, ये है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग। इस केस में उन्होंने कहा क्या है, पढ़ के देखिए खुद से। बहुत अच्छा केस है, खुद से देखिए, ध्यान से देखिए, उन दोनों चीजों को लेकर के ये है।
जहां स्टेट का भी कोई चीज है और वहां सेंट्रल की भी बातें हैं, दोनों के बातें हैं। और देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें जजमेंट दिया गया था। पिथ और सबस्टांस, हमने ये इसी को डिफाइन करना शुरू किया। और इसमें कहा कि अगर कोई चीज स्टेट के भी दायरे में आ रहा है और किसके दायरे में, सेंट्रल के दायरे में, तब इन्होंने कहा कि उस जगह पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए कौन कानून बनाए। लेकिन अगर उसमें अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व रहा मास लेवल पे तो किसके कानून चलेंगे। लेकिन पहले आपको देखना रहेगा कि उसमें पिथ क्या है और सबस्टांस क्या है। जैसे एक केस आया था, राजस्थान लेजिस्लेचर ने कानून पास किया रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर, कि हम जो अलग अलग जगहों पे नहीं म्यूजिक सिस्टम वगैरह बजाते हैं उसको लेकर के पास किया कि भाई ये आप जो है वो नहीं जो है वो लगा सकते या इतने बजे के बाद नहीं बजा सकते, इस तरह का कानून पास किया। जैसे ये पास किया उसको चैलेंज दे दिया गया और कहा गया कि ये तो एंट्री 81 ऑफ लिस्ट वन है, 97 एंट्री है किसमें, लिस्ट वन में, जो कौन बनाता है जिस पे कानून, और उसके तहत लिखा हुआ है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग, कह रहे इन मैटर पे कानून बनाने का राइट किसके पास। तो कहा फिर राजस्थान स्टेट ने कैसे बना दिया, क्योंकि अगर इस पे कानून ही बनेगा तो कौन बनाएंगे, तब इस पे जो है वो डिसीजन किसका था। इसीलिए ये कानून की तरह है। देखिएगा सोर्स ऑफ लॉ जब आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर तो उसमें बताऊंगा कि कैसे हमारा लॉ बहुत सारे डिसीजन और जजमेंट से धीरे धीरे बना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस चीज को साफ रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, कोई गलत नहीं किया इन्होंने, क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो है ये बेसिकली जो है यहाँ पे मुद्दा है और पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट ज्यूरिडिक्शन में आता है। देयरफॉर द पिथ एंड सबस्टांस ऑफ द लॉ वॉज पब्लिक हेल्थ, कह रहे हैं कि पिथ ऑफ सब्सटेंस का मतलब वही मेन मुद्दा जो है वो पब्लिक हेल्थ है। यहां पे हमने ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड कानून नहीं बनाए, हमने तो पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो है ये कानून बनाया कि अगर जो है वो एम्पलीफायर वगैरह का यूज होगा तो रात में लोग सो नहीं पाएंगे, बीमार होंगे, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो इन्होंने कहा यह बिल्कुल जायज है। जबकि देखिए ब्रॉडकास्टिंग क्या सही में लाउड स्पीकर ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुआ, उसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन ये बस हेल्थ को लेकर के है कि अगर कोई 10 बजे या इतने बजे के बाद या इतने जोर से बजाता है तो लोगों को किसी न किसी तरह का क्या होगा, हेल्थ बुरा होगा। तो ये था पिथ एंड सबस्टांस। कर लेबर लेजिस्लेशन, ये कुछ सिर्फ और सिर्फ आस्पेक्ट है यहां पे, तब हम लोग आएंगे फंडामेंटल राइट पे। कह रहे हैं कि कलरेबल लेजिस्लेशन किसको कहते हैं, कहा कि नाम ही जैसा है कलरेबल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब कानून बनाना। कह रहे हैं कि अगर कोई चीज कानून डायरेक्टली बनाना मना है तो इनडायरेक्टली आप लॉ बना करके उस चीज को नहीं कर सकते, मतलब जो चीज डायरेक्टली अलाउड नहीं है उस चीज को आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन, और उस लेजिस्लेशन का कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं होता है, उसकी वैलिडिटी नहीं होती। लेजिस्लेशन मींस कानून है। तो ऐसे कानून, ऐसे तरह के कानून जो आप डायरेक्टली बनाने के लिए अलाउड नहीं थे लेकिन आपने क्या किया, इनडायरेक्टली कर दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कि कहा गया कि किसी भी जगह जो है वो टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी इन चीजों पर, आप क्या करते हैं, स्टेट जो है वो एक कानून बनाता है और कहता है कि जिनको जिनको टैक्स उनको देना है वो टैक्स जो है वो इस नेचर का हमें देंगे। कहा गया कि डायरेक्टली तो आपको लेना ही नहीं था, तो आप ये कह करके क्यों ले रहे हैं कि जो टैक्स आप वहां देते थे वो वहां नहीं देकर के क्या करो, हमारे पास दो। जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, मुझे बोला गया कि मुझे जो है
मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ा और उसको कहा गया कि देख लीजिए आप खरीद करके जो है वो बाहर की चीज नहीं खाएंगे, इसका मतलब खरीद करके नहीं खाएंगे ये है कंसर्न, या वो चीज मना है इसीलिए इनको बोला गया कि आप खरीद के बाहर का चीज नहीं खाएंगे? ठीक है, रिटायर हर्ट जो है वो कानपुर को कहते हैं जा लेके आ मेरे लिए, खुद नहीं खरीद रहे किसी और से क्या कर रहे हैं और वो ला करके दे रहे और तब दबा के खा रहे हैं। मुझे बताइए कि इन्हें बोला गया था कि खुद से नहीं खरीद के खाने का मतलब है कि इनके हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं इसलिए इन्हें खाना नहीं था, तो इनडायरेक्टली क्या किसी दूसरे से मंगवा करके खा सकते हैं? कहा गया कि ऐसे ही जो चीज आपके दायरे में आता ही नहीं है, जिस चीज पे आप कानून बना ही नहीं सकते हैं, उस पे आप इनडायरेक्टली भी जो है वो कोई कानून अगर आप बनाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, कलरेबल लेजिस्लेशन। और पिथ एंड सब्सटेंस में हमने क्या देखा कि अगर किसी चीज पे हम जो है कोई कानून बनाते हैं तो वहां ये देखिए कि रियल इसमें सब्सटेंस क्या है। साउंड बॉक्स ब्रॉडकास्टिंग में आता जरूर है, लेकिन साउंड जो है वो एम्पलीफायर का यूज रात में ना किया जाए, ये पब्लिक हेल्थ में आता है कि इससे लोगों के हेल्थ को जो है वो क्या होगा, नुकसान होगा। तो ऐसे ही जब आप कोई कानून बनाएंगे तो उसमें मेन सब्सटेंस को देखेंगे कि ये यूनियन लिस्ट में जा रहा है या किस लिस्ट में जा रहा है, स्टेट लिस्ट में जा रहा है। कहा स्टेट का क्या मतलब है, तो यहां पे अब इन्होंने जो है वो पहले स्टेट को डिफाइन किया है कि स्टेट का मतलब क्या है। और देखिएगा यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटी, बड़े सारे चीज हैं जो स्टेट के दायरे में आते हैं। फिर डिस्कशन शुरू हुआ है कि क्या फंडामेंटल राइट में कोई चेंज आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके क्या हम फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं जैसे हम एक्ट में अमेंडमेंट लाते हैं या नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़े सारे अमेंडमेंट आए हुए हैं, लेकिन कहा गया कि क्या हम अमेंडमेंट ला करके फंडामेंटल राइट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको लेकर के देखिएगा 3 स्टेप्स में जजमेंट आए थे, पहले किया फिर जजमेंट आया, फिर किया फिर जजमेंट आया, फाइनली एक जगह जाकर के हम सेटल हुए और लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट दे दिया और कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट है इसको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। अब देखेंगे कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और उसके तहत क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है, तब फंडामेंटल ड्यूटीज, तब जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और तब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो कैसे आप इसके लिए जो है वो प्रोटेक्शन लेंगे। और तब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो यहां तक के चीजों को अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल आपके लिए मेरी आज की सारी सेवा समाप्त, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।